चाह मंगदे, रोटी मंगदे, बीबियां मंगदे, कुत्थों दे अपने कमाने वाला चाहिए अपने नहीं नहीं बच्चे ये खाना दाना पूरा कर सकते कुत्थों कोई किलो किलो चावल कोई आटा कोई दिंदा कोई उदानी खिला नहीं कुत्थों दे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है हमारे पास फोन नहीं डंग का खाना नहीं मिलता मैं फोन कहाँ से लेने हैं यार हमारा पापा होते तो हमें खाना भी मिलता सब कुछ मिलता अभी हमें कुछ नहीं मिलता पता चली गया वो भगा मरना कुछ को दे दिया आदमी बीमारी है ऐसे भी नहीं हुई मैं तो अब हम भी पैसा खाना नहीं मिलता है हमें लोग देते हैं कोई किलो चावल दे रहा है कोई आधा किलो मैं सोचती हूँ कि मैं अभी पढ़ाई छोड़ दूँगी कहीं ढूंढूंगी अपने भाई बहन को पालूंगी क्या करूँगी कुछ लेना ये कपड़ा क्यों फटे हुए हैं दूसरे क्यों नहीं पहने आपने वो नहीं है ना अब आई जाने कपड़े भी आई जाने यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमने घर घर में गैस और शौचालय दे दिए हैं ये दावा करते हैं हम वहीं पे लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। मैं इस वक्त हूँ कटरा के मंगोल गांव में। मेरे पीछे जो परिवार है इस परिवार ने 4 से 5 महीने पहले अपना बेटा खो दिया। उसके बाद घर की जो हालत है भुखमरी तक है। 5 बच्चे थे ताराचंद के जिसकी मृत्यु हो गई लगभग 5 महीने पहले। अपने पीछे 5 बच्चे अपनी बीवी और बुजुर्ग माँ बाप छोड़ गया। हालत इतनी बद से बदतर है कि 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। राशन मिलता है इनको 9 किलो कनक मिलती है महीने भर में 9 किलो कनक। मैंने पूछा आप परिवार के इतने ज़्यादा लोग हों 9 किलो कनक क्यों वो कहते हैं कि बच्चों का नाम ही नहीं जा राशन कार्ड में। राशन कार्ड वाले कहते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ लेकिन आधार कार्ड बनवाने के लिए 60-70 रुपये लगते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ चावल आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं इस हालत में हम आधार कार्ड कहाँ से बनवाएं। उसके बाद ये जो चारपाई पे बुजुर्ग लेटे हैं ये ताराचंद के पिताजी हैं इनकी उम्र 76 साल है। ये दिल के मरीज हैं हार्ट पेशेंट हैं लेकिन जब से बेटे की मृत्यु हुई है उसके बाद दवा खाई ही नहीं उसके बाद दवा बंद हो गई। और जब मैं यहां पहुंचा जब हम यहां पहुंचे ये लोग मुझे देखकर रो पड़े। ये बच्चे
ये बुजुर्ग माँ मुझे देखकर रो पड़ी। उसने कहा कि आज पीले चोल बनवाए हैं, पुलाव बनाया है घर में, लेकिन वो पूरा नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन आए थे, ये चावल दे गए हैं इनको, ये चावल बड़े हैं या किलो डेढ़ किलो होंगे, ये चावल इनको दे के गए हैं। ये जो बुजुर्ग चारपाई पे है, इनको आप लोग पेंशन दे रहे हो, ओल्ड एज पेंशन आप इनको दे रहे हो, क्योंकि इनकी उम्र 76 साल है, लेकिन इनकी जो अर्धांगनी है, इनकी पत्नी है, इन बच्चों की दादी है, उनको कोई पेंशन नहीं है, वो अभी बूढ़ी नहीं हुई, वो जवान है, इसलिए आपने इनको पेंशन नहीं दी। क्यों नहीं दी पता नहीं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो सिस्टम में है, 40 साल से जो ऊपर विडो होगी उसी को विडो पेंशन लगेगी, इनकी उम्र शायद अभी 37 साल है, ये ताराचंद की बीवी हैं, ये उस क्राइटेरिया में नहीं आती 40 साल वाले, इसलिए इनको भी पेंशन नहीं लगेगी। तब तक इनके बच्चे भूखे रहें, ये इनका कसूर है, ये 37 साल में क्यों विधवा हो गई, इनको 2-3 साल और इंतजार करना चाहिए था, इनको अपने सिस्टम को अच्छी तरह से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहां लिखा है कि 40 साल से जो नीचे विडो होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो इनको किसने हक दिया कि इससे पहले विडो हो जाएंगे, इनको विडो नहीं होना चाहिए था जब तक कि 40 साल की नहीं हो जाती। अब जो घर की अर्निंग है, अब जो घर की अर्निंग है वो मात्र ये बुजुर्ग की जो पेंशन आ रही है सिर्फ वही है, और दवा नहीं खा रहे हैं 6 महीने से, और इंतजार कर रहे हैं कब बुलावा आ जाए। सबसे बड़ी बच्ची जो है, मैंने उससे बात की, उसने मुझे कहा मैं जानती हूं कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो भरपेट खाना नहीं खाते, आधा पेट ही खाना खाते हैं, मैं जानती हूं, लेकिन हालात ऐसे हैं कुछ कर नहीं सकते। बात करते हैं इनसे। तुंदना के कुशलता दे, कुशल्य जी की दिक्कत आ रही, की प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है बच्चे कोई खाना पीना नहीं जुड़ा रहा, कोई किश नहीं थुआ रहा, कोई पढ़ाइयाँ नहीं लिखाइयाँ नहीं, कुथुआ करा कुथुआ खाना पूरा करा, और बच्चे पाए देंगे कोई सिर भी तोंगण बच्चे पात देर पमदान दे, में कुथुआ पा कुथुआ कमाने आला चली दा मेरा बच्चा, कमाने आला चली दा, मैं कुथुआ पूरी करा, मैं आपे मेरी बाजू त्रुटे दा, ये नहीं मैं कारोबार कर सकती, नहीं नहीं बच्चे की खाना दाना पूरा कर सकती, कुथुआ कोई किलो किलो चावल कोई आटा कोई दिंदा कोई उदानिया खिलार नहीं कुथुआ दे। आज क्यों बनाया था? आज पीले चावल बनाए थे, छड़ा लून सुटी है बसार सुटी है चावल बनाए, कुथुआ में नहीं सब्जी नहीं जुड़ती, कुथुआ बनानी क्या करना दूड़े कर। ये दादी हैं, इन बच्चों की दादी हैं, और इन बच्चों में सबसे बड़ी ये है। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम रजनी। रजनी, आपने मुझसे ये क्यों कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन भरपेट खाना नहीं खाते हैं, क्यों कहा आपने ये? इसलिए कहा, मेरे को पता है कि मेरे भाई बहन रात भर पूरा पेट मतलब पूरे खाना नहीं खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, मेरे को पता है खाना नहीं मिलता है हमें, लोग देते हैं कोई किलो चावल दे रहा है कोई आधा किलो दे। क्लास में मैं 10th में हूँ अभी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं अभी पढ़ाई छोड़ दूँ, मैंने अभी घर वालों को नहीं बताया कि मैं अभी पढ़ाई छोड़ने वाली हूँ, कहाँ से करनी है तो क्यों छोड़ने वाले हो पढ़ाई, क्या करना है कहाँ से, मैं चाहती हूँ कि कोई जाऊँगी कहीं कहीं भी ढूंढी कोई नौकरी नौकरी कहीं ढूंढूंगी, अपने भाई बहन को पालूंगी, क्या करूँगी। आप बेटा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है बच्चा? आपका नाम क्या है? प्रीति दे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। आप 8th में पढ़ते हो, क्या उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। आपकी 14 साल है, क्यों रो रहा है? क्योंकि हमें खाना ढंग से नहीं मिलता, हम कुछ मांगते, पढ़ाई चल रही है मेरी मर्जी है पढ़ने के लिए, पर हम नहीं पढ़ पाते, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमारे पास फोन नहीं, ढंग का खाना नहीं मिलता, हमें फोन कहाँ से लेने हैं। यार मेरा पापा होते तो हमें खाना भी मिलता, सब कुछ मिलता, अभी हमें कुछ नहीं मिलता। दादी से बोलते हो, मामा से बोलते हो कुछ? बोलते हैं हमें कुछ मतलब दुकान से कुछ मंगाना, बोलते बेटा हमारे पास पैसे हैं, जब से हमने बंद ही बोलते हम बोलना ही बंद कर दिया कि हमने कुछ लेना, हमने जो मिलता है वो खाना। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? हमें खाना सब कुछ चाहिए पर मिलता नहीं। पढ़ाई
तुंदा ना के सीमा देवी बच्चे क्या आखा था तुझ की नहीं देंदे रोटी सी रोटी को तो नहीं आप चलते हैं को तो नहीं रोटी सब चलते हैं निकल कर बच्चा पाना मम्मी पैसे देने किन्हें देने किन्हें देने अरे इन बच्चों का नाम नहीं चढ़ा राशन कार्ड पे ना क्यों क्या बता अगर लेस्टर ना कटी रहती को तो देने दाल कार्ड नहीं बने ना आपके नाम नहीं राशन कार्ड पे क्यों नहीं है मेरा है लेकिन मेरे भाई बहन का नहीं चारों का नहीं है कारण कारण बोलते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ तो आपने आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाए पैसे चाहिए 100-100 रुपया आधार कार्ड पे लेते हैं फिर हमने किराया भी चाहिए कहाँ से लेना है इतना किराया आपका नाम क्या है बेटा आरती देवी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो फिफ्थ में पढ़ते हो और तू क्यों रो रहा है शेर भाई क्या नाम है तेरा काका काका कौन सी क्लास में पढ़ता काका सेवंथ में तो रो क्यों रहा है ये हालत है जनाब आपने पेंशन दी है लेकिन सिर्फ एक बुजुर्ग को 1000 और बाकी हालत आपने देख ली घर की दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है ये परिवार आपने कहा कि हमने घर घर तक गैस पहुंचा दी शौचालय पहुंचा दिया लेकिन लोग यहाँ पे मुझे लगता है जो राशन कार्ड वाले हैं जो आधार कार्ड वाले हैं जिन्होंने वीडो पेंशन लगानी है जिन्होंने इस माँ की ओल्ड एज पेंशन लगानी है मुझे लगता है कि वो लोग अगर ये देख रहे होंगे जनाब कर दीजिए ये बहुत मजबूर लोग हैं ये आप तक नहीं पहुंच सकते जो अपने लिए 1 किलो चावल नहीं ले सकते वो आप तक कैसे पहुंचेंगे वो आप तक नहीं पहुंच सकते आपको इन तक पहुंचना पड़ेगा तुम तो ना किए जगन्नाथ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें क्या प्रॉब्लम नहीं बोला पता चलिए भगया मरना कुछ आपको आदली बीमारी है ऐसे भी नहीं हुई मैं दुआ पैसा करा मारा बच्चे आधे की रोटी नहीं लगती पर पेट मतलब की रची नहीं खाते कुछ खानी मारा थोन दिखे 1.5 किलो चावल 7-8 जीव थो 9 जीव हाँ एक चौल कौन दे ये खिलाते नहीं है थलू दे हाँ सब लोग बस ये चोल पे घर और नहीं और दिखी सकते पता है अंदर कख नहीं कख नहीं तुसी आने दा फोन में कराया था जनाब बड़ी बड़ी ऐसा मार के मौ दौड़ा खाची अच्छा सारा बाल बच्चा मेरा नहीं बाबा ये नहीं आ रहे के फक के बोलने आ रहे के कर उड़े तैयारी लग रहे होना नहीं है ज्यादा बड़ा हम कोशिश करेंगे कि इस परिवार की मदद कर सकें इस बेटी ने कहा कि मैंने फैसला किया है लेकिन अभी परिवार वालों को बताया नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी मैं जानती हूं कि मेरे छोटे भाई बहन भरपेट खाना नहीं खाते हैं रोज भूखे पेट सोते हैं आधा पेट खाते हैं मैं जानती हूं लेकिन कर कुछ नहीं सकती और शायद ये बुजुर्ग भी जानते होंगे लेकिन एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं 6 महीने पहले तक ताराचंद ठीक थे तब तक घर के हालात ठीक थे मैं अब आपको ये 2 किलो चावल दिखाए मुझे करता हूँ इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तसल्ली हो जाए उसके बाद ही कहानी को अंजाम देता हूँ ये इनकी किचन है कुछ नहीं है एक चूल्हा है चूल्हे के अलावा और कुछ नहीं भाई यही है जनाब यही कहानी मंगोल की है कटरा का एक गांव मंगोल उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने हमेशा ऐसे लोगों का हाथ थामा है आगे भी आप हाथ थामेंगे आज के बाद ताराचंद का परिवार आज के बाद ये बुजुर्ग माँ बाप ये बच्चे भूखे पेट ना सोएं और कोशिश करें वो बच्ची पढ़ाई ना छोड़े शायद अभी बहुत कुछ करना बाकी है शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए